उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधुओं, एक बहुत दर्द भरी कहानी हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ये दुख भरी कहानी बांझ को मिला पुत्र रत्न आप लोगों को लेके हम आ रहे हैं, तो आ जाइए। एक समय की बात है, एक पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह सुंदर घर में जब किया है, शादी के काफी समय बीत गया है, लेकिन उसकी कोख से किसी पुत्र अथवा पुत्री ने जब जन्म नहीं लिया है, हुआ क्या मेरे भैया? आ जाइए। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत सुंदर परिवार में की है। अरे सुंदर घर बर देखी, समय को लेख की करी सगाई, जय सुघर मिले भरतार रे, गई ससुरे में वो आई, और बेटा हुआ ऐसा। अरे सासु ससुर की भली कमल सी खिली रहे समझाई, निसत न परमेश्वर मान्य पति की सेवा करी अगाई, मेरे भैया। पिता ने बेटी की शादी करा दी है, सुंदर परिवार है, भरतार भी सुंदर हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन काफी समय हो गया है जब बेटी के उदर से किसी बेटा अथवा बेटी ने जब जन्म नहीं लिया है, और लगभग शादी को 10 वर्ष बीत गए। बहु ऐसो रहे समझाई, भैसा दी को 10 बरसी रहे समझाई, शुभधाम हाँ वैष्णो को शुभधाम पहुंच गई, जम्मू में जाई वैष्णो को शुभधाम, शुभ धाम
वहां जाके दुखिया जब माँ वैष्णो धाम जम्बू में जाकर के पहुंची आस लेकर के पुत्र रतन की, भैया चरण मात के लेटी दुखिया ने आस लगाई है, चरण में है लेटी मात से आस लगाई है, बेटी के जीवन में अंधकार है। शादी के 10 वर्ष हो गए लेकिन कोख से जब किसी बेटा अथवा बेटी ने जन्म नहीं लिया है, दुखिया बड़ी बेचैन है और वैष्णो मैया की आस लगा करके वो दुखिया वैष्णो धाम जम्बू में पहुंच गई है। मैया के शरणों में लेट गई और कहने लगी, मैया हम जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक मैं तुम्हारे मुख से पुत्र होने का वरदान नहीं ले लेती। और मैया के शरण में लेट के वो दुखिया आंखों से आंसू बहाती हुई कहने लगी, हे मां कौन सी भूल बन गई हमसे, हमसे कौन सी भूल बन गई है। सेवा में कौन सी कमी रही, हे मां क्या सेवा में कोई कमी बन गई। सेवा में कौन सी कमी रही, जो दीने दुख गहाई है। मैया कौन सी भूल बन गई, शायद है कि बचपन की दास्तान मुझे याद तो नहीं है, पर मुझे आभास होता कि मैं तुम्हारी सेवक जन्म से हूं, जन्म से मैं तुम्हारी सेवक हूं। लेकिन क्या भूल बन गई मैया जो हमें ये दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। सेवा में कौन सी कमी रही, हरी भरी मेरी ना डाली, हरी भरी मेरी सब बाज रहे बदलाई है। देखना ही पसंद नहीं करता और मैया बांझ को देखेगा भी कौन, असगुन मानते हैं लोग। इतनी तुम्हारी भक्तिन की दशा खराब है मां, क्या बात है। और घर बार छोड़ी के आई हूं, ना तर से मैया जाऊं, तीनों हमको पुत्र रतन हे मां, ना तीनों हमको पुत्र रतन तो सर पटक पटक मर जाऊंगी।
जिंदा लौट करके घर को नहीं जाऊंगी, क्योंकि जीते जी हमारी मौत ही है। एक फूल खिलता हुआ मुझे मिल जाता तो संसार मुझे बांझ की दृष्टि से नहीं देखता। हे मां, सच बात तो ये है, जिस समय वह दुखिया ने दर्दीली चीख मारी है, वो आवाज जब मां के कानों में पड़ी तो हुआ क्या भाइयों? आवाज एक तर से आई, मेरी बेटी बिल्कुल रोना ना, खत्म हुए तेरे वक्त बुरे, अरे खत्म हुए तेरे वक्त बुरे, अब मत दिल में घबराना ना, अब तक जो समय गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आना है अब बेटी तुम्हारे जीवन में। अरे खत्म हुए तेरे वक्त बुरे, अब मत दिल में घबराना ना, दुखिया दर पर पड़ी है और आवाज मार रही है, हे मैया, आज तुमने अगर पुत्र होने का वरदान मुझे नहीं दिया तो सर पटक पटक के मैं यहीं मर जाऊंगी, पर जिंदा लौट करके घर नहीं जाऊंगी। सो अंदर भवन से आवाज आई है, बेटी रुको, बेटी रुको, बुरे दिन तुम्हारे समाप्त हो गए, अब वो समय आने वाला है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे भैया, मैया की ऐसी सुंदर बात सुनकर के मां ने वरदान जो दिया है ना, वह दुखिया खुशी के मारे अब वहां से जब वापस आई है, कुछ समय के बाद में भाव ऐसो, अरे गूंजी बेटा की किलकारी, दिन के बाद घर में गूंजी बेटा की किलकारी, अति खुश भये पिता महातारी, और उन्होंने दान लुटा करी मो पे महतारी, आ श्रोताओ, जब वो दुखिया जम्बू से लौट करके घर आई है, कुछ समय के बाद में वह दुखिया के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया है। बेटा को देख करके मां बाप बड़े प्रसन्न हैं। परिवारी सब खुश भए, जब भयो एक सुकुमारी, प्रेम से सब मिल बोलियो, श्री मां की जय जयकार, बोलिए वैष्णो मां की। वैष्णो मैया की कृपा से एक बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया है।
परिवार पूरा बहुत खुश है, बहुत। अब घर में बधाइयां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, पूरा परिवार बहुत खुश है। हुआ ऐसा, अरे खुश पूरो परिवार है, खुश पूरो परिवार है, और गूंज रही घर में किलकारी। अरे महामाई की कृपा से घर आई दो पोतारी, हाँ महामाई की कृपा से घर आई दो पोतारी। बेटा के जन्म उत्सव पर बड़ा बड़ा धन धान लुटाया गया वहां, क्योंकि भगवान की दया से कमी तो काउ प्रकार की अति ना है। अगर कमी थी उस घर के अंदर में तो केवल पुत्र रत्न की कमी थी। दान बहुत तेरे लुटवाए, अरे भिखारी और ब्राह्मण को फिर भोजन करवाए। जो भी दरवाजे पर इच्छा लेकर के आ जाता है विमुख नहीं जाता है, सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते हैं। सब खुश है, सब बहुत प्रसन्न है। भैया कष्ट दुखिया के दूरी भय, डिजिटल चैनल के माध्यम से युवा आला सम्राट उदयराज चेतन की आवाज में। उम्र जाकी 6 साल की भाई, बेटा की उम्र धीरे धीरे 6 वर्ष की हो गई। उम्र जाकी 6 साल की भाई, अरे न जाने काट की भावई फिर से आई गई। हाँ न जाने काट की भावई फिर से आई गई। बेटा शिवदीप शिवहरे जी, बेटा जब 6 वर्ष का हुआ है तो वही दुख जो छूट पाए बड़ी मुश्किल से, दुखों का पहाड़ उस घर के ऊपर फिर टूट पड़ा। हुआ ऐसा, एक दिन सर में दर्द भयो,
एक दिन बेटा के सर में दर्द हुआ, एक दिन सर में दर्द भयो, मैया मैया के बेटा गोदी में आए गो, बेटा के सर में दर्द हुआ है, बेचैनी छा गई, मैया मैया कह करके लाला मैया की गोदी में आ गया, माँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसी समय वो दुखिया मैया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बेटा देखने के लिए मिला था, वो माँ बेटा के ऊपर जान छिड़कती थी, जान छिड़कती थी, माँ तो डॉक्टर के पास गई, अरे न बजे देख के डॉक्टर ने मैया लौटाई दई, डॉक्टर ने नबज देखी, बेटा की नबज थम चुकी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम इसे ले जाओ भाई, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं इलाज भी करूं तो किसका करूं। जब माँ को लौटा दिया है, डॉक्टर बोला माता तेरो बेटा चलो गो, ए माँ अब तेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं है, संसार छोड़ करके जा चुका है, अरे ले जा जाकू घर दफन जाको तुम खरीदी जो, हे भैया अरे ले जाओ अपनो लाल दफन बेटा को कर दियो, मेरे भैया डॉक्टर के पास जब मैया बेटा को लेके गई है, डॉक्टर ने जैसे नबज देखी, नबज थम चुकी थी, बेटा में कुछ नहीं था, डॉक्टर कहने लगा हे माँ मुझे माफ करना जो मैं तुम्हारे बेटा को नहीं बचा सका, अब इसे ले जाओ घर, बेटा दुनिया को अलविदा कह करके जा चुका है, जाओ बेटे का दफन कर देना माँ। मैया व्याकुल हो गई, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अब करूं क्या, क्या करूं, और माँ रो करके कहने लगी लाला तुझे क्या हो गया, बड़ी मन्नतों के बाद तुम हमें मिले थे लाला, के न पल भर में सितम जाने तुम्हें क्या हो गया बेटा, बेटा तू का हो गया, न पल भर में समझ में नहीं आता क्या हो गया तुम्हें,
माँ बहुत बुरी तरीके से रोने लगी। लला तेरी मात रोती है, सहारा कौन है मेरा। से हो पाया बड़ी मन्नत से हो पाया दीदार तेला। दुखिया मैया से कछ तो कह दे, कछ कह दे लाला। ये दुखिया मात रोती है, ये दुखिया मात को रोता छोड़ के रम गया बेटा। न पल भर में सितम जानी तुझे क्या हो गया बेटा। न पल भर में सितम जाने तुम्हें क्या हो गया बेटा। लाला तुझे क्या हो गया, एक बार हमसे कुछ तो बोल दे बेटा, कुछ तो बोल दे। और हे माँ, पहले वरदान दे करके मुझे बेटा दे दिया, तुम बड़ी निर्दयी हो, दे करके हमसे छीन भी लिया। क्या भूल बन गई मैया, हमसे क्या भूल बन गई। कमी भक्ति में क्या छोड़ी, और खिला हुआ फूल छीना है। कमी भक्ति में क्या छोड़ी, खिला हुआ फूल छीना है। भैया मात जम्बू तक में आई, क्यों हमें पुत्र दीना है। हे मां, जम्बू तक में आस लगा के आई थी तुम्हारे श्री धाम पर, वरदान में तुमने मुझे बेटा दिया, अब देकर के छीन भी लिया। क्यों मजाक कर रही हो मां से, क्यों मजाक कर रही हो। आ रही फेर तेरे द्वारे चलूंगी, जा गया बेटा।
हे माँ। चलूंगी फेर, चलूंगी फेर, आ रही फेर द्वारे पर चलूंगी, जहां गया बेटा न पलवर में, न पलवर में, न पलवर में सितम जानी तुम्हें क्या हो गया बेटा, न पलवर में सितम जाने तुम्हें क्या हो गया बेटा, जब डॉक्टर ने बेटा को मृत घोषित कर दिया है, मां उस बेटा को लेकर के घर चली आई, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे, कहने लगी हे मां तुम हमसे मजाक कर रही हो, मेरे साथ धोखा कर रही हो, पहले तुमने हमें बेटा दे दिया और देकर के छीन भी लिया, फिर आ रही हूं मैं तुम्हारे द्वारे पर, घर नहीं रहूंगी, जहां मेरा बेटा गया है भाई मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। बेटा को बाहों में भरकर मां वैष्णो धाम जम्मू में फिर चली गई है वो दुखिया, रोती हुई जा रही है, कहती है मामाई अब मैं करूं क्या, मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला दिया, क्योंकि पहले आस इतनी बंधी हुई थी, सारी आशाएं थी हमारी टूट चुकी हैं, लेकिन मां एक रहम करना मेरे साथ, अरे मां करना तुम रहम बनी पे रहम दया नए आई, अरे मां करना तुम रहम बनी पे रहम दया नहीं आई, भर के आई झोली हे मैया, गोदी ले सुकुमार के बड़ी अगार धाम गई आई, अरे ले बेटा की लाश रे मां गई है रुदन मचाई, अरे ले बेटा की लाश रे मां गई है रुदन मचाई, रे भैया बदुखिया मैया पहले की तरह फिर बेटा को छाती से लगा करके जम्मू पहुंच गई, और मैया के द्वार पर रुदन मचाने लगी, सर पटकने लगी, कहने लगी ए मां अरे कौन सी भूल बन गई हमसे जो बेटा को देकर के तुमने मुझसे छीन लिया, हाथ जोड़ करके मैया से अपने बेटा के प्राण की भीख मांगन लगी बदुखिया, बाहो ऐसो बोली है हे मां के गोदी में लेके सुकुमार में आई हूं तेरे दरबार में, हे मां गोदी में लेके सुकुमार में आई हूं तेरे दरबार में, हे मैया दर से ना हरगिज मैया जाऊंगी,
इधर से ना हरगिज मैया जाऊंगी, जब तक ना सुत को जीवित पाऊंगी। और मैया मर जाऊं, मर जाऊं तेरे दरबार में, मर जाऊं तेरे दरबार में, आई हूं तेरे दरबार में, गोदी में लेके सुकुमार में, आई हूं तेरे दरबार में। हे मैया, तुम्हें जतो पता हो कि जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने तुम्हारी भक्ति ही पाई है, माँ भक्ति की है। जब से जन्मी हूँ भक्ति पाई है, जब से जन्मी हूँ भक्ति पाई है, फिर भी माँ बेरहमी दिखाई है। जब से जन्मी हूँ भक्ति पाई है, बेरहमी दिखाई है। आ? जीवन क्या काटूं अंधकार में, जीवन क्या काटूं अंधकार में, आई हूं तेरे दरबार में, गोदी में लेके सुकुमार में, अगर झोली खाली हो गई मेरी तो मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगी और तेरे ऊपर संसार वाले कभी विश्वास नहीं करेंगे। मां झोली ना खाली लेकर जाऊंगी, झोली ना खाली लेकर जाऊंगी, बेटा संग प्राण में गमाऊंगी। और मैया झूठी तू होगी संसार में, तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। झूठी तुम होगी संसार में, आई हूं तेरे दरबार में, गोदी में लेके सुकुमार में, आई हूं तेरे दरबार में, आई हूं तेरे माँ। झोली खाली लेकर के मैं यहां से नहीं जाने वाली हूं। उस दुखिया मैया ने महामाई के दरबार में माथा पटक पटक करके लोहलुहान कर दिया। हालत ब बन गई कि क्षण दो क्षण में मां भी बेटे के साथ जाने वाली हूं। उसी समय आवाज आई भवन से, बिटिया रुक जाओ। अरे तब आवाज भवन से आई, बेटी रुक जा, प्राण मंथन देना। तब आवाज भवन से आई, बेटी क्यों दे रही हो जान गमाई, ऐसो करो मना नहीं बेटी। देव बेटे आवाज लगाई, अपने बेटा को आवाज मारो। देव बेटे आवाज लगाई, मैंने जीवित दो बनाई, Thank you.
क्यों बेटे आवाज लगाई, मैंने जीवित दो बनाई, अपने बेटा को आवाज लगाओ, मैंने जीवित कर दिया है। सोई लख बेटा की दशा, माता के आंसू पूछ गए हैं, सोई लख बेटा की दशा, माता के आंसू पूछ गए हैं, दशा उदय के आंसू पूछ गए हैं, भवन से आवाज आई कि बेटी रोना नहीं, तुम्हारा बेटा वापस तुम्हें मिलेगा। और साक्षात महामाई ने अपनी भक्तनी को दर्शन दिए हैं, और बेटा जिसका मृत शरीर था, बेटा के सर पे जैसे ही हाथ से लाओ लला, आहा क्या कृपा थी मैया की। अरे सर पे फेरो आते पुत्र ने आंखें खोली दई, अरे जीवित सुत को देख के मैया मन में मगन भई, मैया के गाए रे भजन, मैया के गाए हैं, अरे पान सुपारी धुजा नारियल भवन चढ़ाए, गोद में बेटा बिठलायो रे गोद में लायो, माता पिता के संग की बेटा लौट के घर आयो, उदयने गाय सुनाई है रे उदयने गाय सुनाई है, गणेश जी रहे हर साई है, पापी भैया चिमटा बेचे रहे लहराई है, शिव दीप प्राणन प्यारो है,